सा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, दर्शन कीजिए भगवान श्री राम का, जो कि राघव स्वरूप में इस वक्त आपके समक्ष सभी को दर्शन दे रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, राघव रूप में माँ कौशल्या के राघव, वही नाम जो माँ कौशल्या ने उन्हें दिया, उसी राघव को आप इस वक्त, आप 5 वर्ष के बाल रूप में इस वक्त देख रहे हैं। अद्भुत छवि निश्चित तौर से, और इन्हीं को वर्णित किया गया है कि नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़ कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीट मानहु तड़ित रुचि सुचि नवमी जनक सुतावरम। भक्तवत्सल के सामने भाव विह्वल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जलांजलि अर्पित कर रहे हैं समूचे राष्ट्र की ओर से, और निश्चित तौर से इसी क्षण का इंतजार शताब्दियों से समूचे राष्ट्र को था, समूचे विश्व मानवता को था। जय राम रमा रमणम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। निश्चित तौर से समूचे राष्ट्र की समेकित शक्ति काया, समूचे सनातन संस्कृति का आज अभ्युदय का दिन है, और कहा गया है कि तन की शक्ति हृदय की श्रद्धा आत्म तेज की धारा आज जगा है जग जननी का सोया भाग्य सितारा। कोटि पुष्प चढ़ रहे देव को शुभ चरणों पर कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। और निश्चित तौर से ये ध्येय है समूचे विश्व कल्याण का, ये ध्येय है जगत गुरु भारत का, ये ध्येय है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, समर्थ भारत का, सशक्त भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, आत्माभिमानी भारत का, स्वस्थ भारत का, स्वच्छ भारत का, सुंदर भारत का, विकसित भारत का, और अंततः जगत गुरु भारत का। और जगत गुरु संस्कृति के प्रणेता, विश्व में मर्यादा को प्रतिष्ठित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विश्व के लिए अभूतपूर्व निधि हैं, क्योंकि हमारी ही संस्कृति समता की बात करती है, और हमारी ही संस्कृति में राज्य राम राम राज्य की जो संकल्पना है वो आज भी समूचे विश्व के लिए अनुकरणीय है, वंदनीय है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा आपको दर्शन दे रहे हैं बाल रूप में, और यहाँ पर परब्रह्म कई रूपों में दर्शन दे रहे हैं। माँ सरयू के रूप में वो जलाकार ब्रह्म के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। अयोध्या धाम के रूप में जो कि स्वयं परब्रह्म का ही स्वरूप है वो इस धरा धाम के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके बाद आप नित्यावतार जो संत स्वरूप माने जाते हैं उन स्वरूप में भी भगवान लगातार अपने दर्शनों के लिए भक्तों को कृतार्थ करते रहते हैं। और अब आप देखिए कि प्राण प्रतिष्ठित भगवान श्री राम इस वक्त 51 इंच की ये जो कृष्ण मूर्ति आपके समक्ष इस वक्त जो प्रतिष्ठित हो चुकी है भगवान श्री राम लोकाभिरामम इस वक्त मन मोह लेते हैं। और जिस तरह से लगातार पूरे प्रांगण में अयोध्या धाम में जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है इस वक्त सिर्फ एक ही गूंज है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम इस वक्त गर्भगृह में माँ